हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेईई का पहला पेपर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की वीडियोस। और चलिए देखते हैं, इसमें हमारे टोटल 5 मॉड्यूल हैं, ए से लेके ई तक। और इन 5 मॉड्यूल्स, ई मॉड्यूल अभी हमारा पिछले साल ही ऐड हुआ है, पहले नहीं था। ये वाला देखिए, ई मॉड्यूल जो है हमारा एथिक्स वाला, ये पहले ही पहले नहीं था, 1 साल पहले से ये अभी ऐड हुआ है और बुक में ये मेंशन है। तो ये मैं आप लोगों को बुक से कराऊंगी, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ वीडियोस क्लासेस दी है और वो बुक से नहीं था, बुक से मैं आपको लेटेस्ट बाद में कराऊंगी। और इसके साथ आपका लीगल भी मैंने बुक से नहीं करवाया, तो लीगल की वीडियो मैं आपको इसके साथ पैरेलल ही कराऊंगी। पैरेलल मतलब जैसे हम इसका पहले ये देखिए, इसका कौन सा है, पहला मॉड्यूल ए ना, इसमें है मॉड्यूल ए का नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में टोटल 11 चैप्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही हमारे 11 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लीगल के मॉड्यूल ए में जितने भी चैप्टर्स होंगे उसको ख़त्म करेंगे। तो कुल मिला के हम ऐसे करने वाले हैं कि पहले हम इसका मॉड्यूल ए ख़त्म करते हैं, फिर लीगल का मॉड्यूल ए, फिर इसके मॉड्यूल बी पे आएंगे, फिर लीगल का मॉड्यूल बी, ठीक है। तो दोनों हमारा जो सिलेबस है वो साथ साथ होता जाएगा, और किसी का पहला पेपर बचा हुआ है यानी ये प्रिंसिपल वाला, और किसी का लीगल बचा हुआ है। तो ऐसा नहीं रहेगा ना कि किसी एक ही को हम कर रहे हैं, दोनों अगर हमारा साथ साथ चलेगा तो हमारा ईजी भी रहेगा। चलिए फिर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो वैसे जो आपका मॉड्यूल ए है, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। देखिए इसमें क्या है, जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप से आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसको ओवरव्यू बता देती हूँ। इस बुक में बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बहुत डिटेल में दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, जितना ज़्यादा डिटेल हो सकता था इस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और पेपर हमारा 100 नंबर का ही आता है, तो कुल मिला के अगर आप बुक देखें तो कितनी मोटी बुक है ये देखिए। ऐसा जो पॉसिबल नहीं है इतनी मोटी बुक का एक एक लाइन पढ़ना या फिर एक एक चीज़ करना। तो हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है इस बुक में, मैं देखती हूँ आपको कितने पेज है, देखिए 760, ठीक है, 760 पेज है। तो ये पॉसिबल नहीं है हम 760 पेजेस को पढ़े और उसकी कितनी सारी लाइन है, ये 760 तो सिर्फ पेजेस है, उसकी कितनी सारी लाइन है, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम इतना मोटी बुक का एक एक पेज एक एक लाइन अच्छे से करें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट के लिए भी नहीं है। इस बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल है, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, पर एग्ज़ाम में आपका इतना डिटेल नहीं पूछते हैं। तो जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग उसी हिसाब से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस किस टाइप से आता है वो मैं आपको बताऊंगी, और अगर मैं आपको सही बताऊं तो मॉड्यूल ए हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉड्यूल बी सी डी में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ई मॉड्यूल जो लेटेस्ट उन्होंने ऐड किया इसमें से भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए हैं। मॉड्यूल ई भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल बी में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर एज सच मॉड्यूल ए में से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलूँ तो इसके बी सी डी ई हो जाएंगे हमारे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हमारे बी सी डी और ई, ये 4 हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ए में से कुछ नहीं आता, ए में से बहुत चीज़ें पूछी जाती है, और एक तरह से ए आपका बेसिक है। बाकी जो आपके बी सी डी ई मॉड्यूल्स हैं उनको समझने के लिए ये जो आपका मॉड्यूल ए है वो बहुत बेसिक है। अगर आपको ए मॉड्यूल के बारे में नहीं पता होगा तो आप बी सी डी ई को ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। उसका जो कंसेप्ट है एग्जैक्टली किस तरह से वो क्या काम करता है आप रट नहीं सकते ना, आपको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। तो जो बेसिक है वो आपका मॉड्यूल ए में दिया हुआ है, और इसीलिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब मॉड्यूल ए में बेसिक दिया तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करने वाले हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। पर हाँ, ऐसा भी नहीं कि मॉड्यूल ए में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं लेकिन पूछे ज़रूर जाते हैं। ऐसा नहीं कि मॉड्यूल ए करना बिल्कुल ही वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी कई बार हमारे जो 9 चैप्टर है इसमें से कुछ क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगी आपको IRDA ये सब इसमें से, जैसे 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 हम लोग चैप्टर करते जाएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑलरेडी, जो पुराने क्वेश्चंस मतलब पिछले पिछले साल या उससे पिछले साल जो भी क्वेश्चंस आए थे, तो पहले जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगी तो मैं उसी टाइम आपको बता दूंगी। पर मॉड्यूल ए में से इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया था तो इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बोल पाऊंगी कि हाँ ये भी आया था वो भी आया था, पर हाँ आपको ये इसलिए याद रखना ताकि आप अपने बाकी मॉड्यूल्स को समझ पाए। पर एक मॉड्यूल ए की मैं आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ कि मॉड्यूल ए में जो जो आपको बेसिक बताया गया है वो अभी आप जेईई पास कर लेंगे तो उसके बाद आप जो CIB करेंगे ना, तो CIB में इसका ये जो बेसिक है मॉड्यूल ए का ये आपके बहुत काम आता है। आपका जो पहला पेपर होता है CIB का और दूसरा और जो तीसरा पेपर होता है, तीनों में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और जो आप लीगल करेंगे तो लीगल में भी कुछ चैप्टर्स में मॉड्यूल ए का कंसेप्ट बहुत काम आता है। तो इन शॉर्ट मॉड्यूल ए में से डायरेक्ट तो नहीं पूछे जाते, पर इनडायरेक्टली ये मॉड्यूल बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो कंसेप्ट है, इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमारे बहुत काम के हैं,
तो चलिए अब हम शुरू स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम। तो देखिए फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। फाइनेंशियल सिस्टम मीन्स द स्ट्रक्चर दैट इज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी टू मोबिलाइज द कैपिटल फ्रॉम वेरियस सरप्लस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंड एलोकेट द डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू वेरियस नीडी सेक्टर। तो अगर मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँ कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे इकोनॉमी में दो तरीके की जगह है। एक जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा मनी है, और एक जगह जो निडी है मतलब जिनको ज़रूरत है। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, मोबिलाइज करने का काम करता है। मोबिलाइज मतलब वो ले जाता है, क्या ले जाता है, जो पैसा है, जिनको पैसे की ज़रूरत है और जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, मोबिलाइज करने का काम करता है। क्या मोबिलाइज करने का काम करता है, पैसे को कहाँ से, सरप्लस से निडी सेक्टर, ठीक है, जहाँ एक्स्ट्रा है और जहाँ पे कमी है, तो उसके बीच में जो बैलेंस बनाने का काम करता है वो कौन करता है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम करता है। तो देखिए फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाती है हमारी फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट देखिए क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट वही मार्केट है जहाँ पे हमारा पैसे से रिलेटेड सारा काम होगा। तो इसमें कौन कौन सी मार्केट है, मनी मार्केट, डेप्ट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और कैपिटल मार्केट। ये चार तरीके की हमारी मार्केट है हमारी फाइनेंशियल मार्केट में। तो अभी हम डिफरेंस देखते हैं ये क्या होता है। मनी मार्केट में मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको चार पार्ट्स में इन्होंने क्यों डिवाइड किया है, क्या सिर्फ मनी मार्केट ही सफिशिएंट नहीं था। तो होता क्या, हमारी इकोनॉमी है, हमारी जो इंडिया है ये बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत ह्यूज इकोनॉमी हमारी। तो अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग ज़रूरतें होती है, ठीक है। जैसे जैसे लोग हैं उनकी ज़रूरतें उस हिसाब से, तो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से इन्होंने मार्केट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको सब्जी लेनी है तो आप क्या करेंगे, वेजिटेबल मार्केट में जाएंगे। अगर आपको कपड़े खरीदे तो आप एक ऐसे ऐसी मार्केट में जाएंगे जहाँ पर स्पेशली आपको कपड़े ही मिलते हैं। तो वैसा क्या, ऐसा क्यों किया गया, हम लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ही, हम लोगों को ज़्यादा मतलब हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए या हम लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाए हमारे काम, तो उसी के लिए उनको मतलब हम लोगों को ही सुविधा देने के लिए मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने चार पार्ट्स में। तो मनी मार्केट पहला क्या होता है, मनी मार्केट, डेप्ट मार्केट, फॉरेक्स और कैपिटल मार्केट। तो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि इन चारों मार्केट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट एक तरह से सेम ही होता है, यहाँ पर पैसों का ही लेन देन होता है, पर इनमें डिफरेंस बस एक है, वो है टाइम का। अगर आप कुछ भी ऐसा पैसों का लेन देन कर रहे हैं और आपका हिसाब किताब एक साल के अंदर ख़त्म हो जाए, ठीक है, एक साल के अंदर आपका हिसाब किताब ख़त्म हो जाए, मान लीजिए आपने कुछ खरीदा और एक साल के अंदर आपने उसको बेच दिया, मान लीजिए आपने कुछ कुछ भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खरीदी और एक साल के अंदर उसको आपने बेच दी, तो आपका हिसाब किताब एक साल में सेटल हो गया, पूरी सेटलमेंट एक साल के अंदर हो गई, तो वो होगा हमारा मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट मोर देन वन ईयर, ठीक है, यहाँ पे भी वही है, आपके जो पैसों का हिसाब किताब है वो सेटल होने में कितना टाइम लगा, एक साल से ज़्यादा, एक साल से ज़्यादा कितना हो सकता है, दो साल, तीन साल, दस साल, पंद्रह साल, कुछ भी, ठीक है। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे जो हमारा पूरा सेटलमेंट है, फाइनल सेटलमेंट है, वो एक साल में पूरा हो जाता है और यहाँ पे एक साल से ज़्यादा टाइम लगता है। अब डेप्ट मार्केट क्या है, फॉरेक्स क्या है, डेप्ट थोड़ा डिटेल है तो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, पहले मैं आपको फॉरेक्स मार्केट बता देती हूँ। फॉरेक्स मार्केट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको फॉरेन करेंसीज में, डॉलर, पाउंड या कोई भी और आप फॉरेन करेंसी, यूरो, किसी भी फॉरेन करेंसीज में अगर आपको लेन देन करना है तो आपके लिए कौन सी मार्केट है, आप जाएंगे कहाँ, फॉरेक्स मार्केट में। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए आप अभी एक प्लान बना रहे हैं कि आपको फॉरेन टूर घूमने जाना है, तो अभी आप मान लीजिए अमेरिका जाते हैं, तो आप अमेरिका में किसी भी शॉप से कुछ खरीद रहे हैं या फिर किसी होटल में आप रह रहे हैं, आपको कुछ पे करना है, तो आप उनको अगर रुपए देंगे तो क्या बोलेंगे, वो कहेंगे नहीं यहाँ पे नहीं चलता, आप यहाँ की करेंसी लाइए जो कि डॉलर है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है। तो आपको पहले से यहाँ से आप इंडिया से जा रहे हैं तभी से आपको रेडी होना पड़ेगा कि आपके पास फॉरेन करेंसी हो, क्योंकि आप अमेरिका या किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो आपके पास वहाँ की करेंसी होनी चाहिए। तो फॉरेक्स मार्केट सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री में जाना है, फॉरेन करेंसी यूज़ करनी है, ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट में जाके अपना फॉरेन करेंसी का लेन देन कर सकते हैं। डेप्ट मार्केट हमारा लास्ट है। डेप्ट मार्केट में देखिए क्या आता है, इसमें ये भी हमारी लॉन्ग टर्म मार्केट ही होती है, ठीक है, डेप्ट मार्केट भी हमारी लॉन्ग टर्म ही होती है। इसमें दो तरह से, एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप बोल सकते हैं और एक बॉन्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दोनों तरीके की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी सिक्योरिटी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज़ होती है, और बॉन्ड भी अलग अलग, हमारे कॉरपोरेट बॉन्ड, पीएसयू बॉन्ड, ये अलग अलग बॉन्ड हो जाएंगे। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस ये याद रखना कि जो बॉन्ड है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट कोई भी इशू कर सकता है, पर बॉन्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का बॉन्ड रहेगा और इसमें आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है,
ठीक है, एक जिसको हम कूपन बोलते हैं, ये सब डिटेल हम आपको धीरे धीरे जब हम चैप्टर्स आगे करेंगे ना, आगे के चैप्टर्स, तो आपको ये सब पता लग जाएगा। ये जो जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ आज, ये आपको बहुत बार रिपीट होने को, मतलब बहुत बार रिपीट सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो आज अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ रहा है कि क्या क्या मार्केट होती है तो ठीक है, अगर नहीं भी ज़्यादा आइडिया लग रहा कि क्या है कैसे है, तो आप इतने बार इसको सुनेंगे, ये सारी टर्म्स इतने बार रिपीटली आपकी बुक में इतने बार ये दी हुई कि आपको अपना भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और हाँ एक और चीज़ देखिए, मनी मार्केट में हमारा आता है कॉल या नोटिस मनी, टी बिल्स, सीडी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, रेपो कमर्शियल, ये सब हम डिटेल्स में आके देखने वाले हैं। पूरा डिटेल्स का आपके आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में दिया हुआ है। यहाँ पे बस आपको इतना ही समझना था। इसके बाद हमारा फाइनेंशियल सिस्टम में तीन तरह के होते हैं, ये उनके ऊपर है जो कि हमारे रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है, जो अथॉरिटी होती है ये उनके ऊपर है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है, अभी हम पूरा देख चुके हैं फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या होता है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जैसे मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में सिर्फ बच्चे अगर हो, ये तो सिर्फ बच्चे हैं, तो फिर उनको कौन पढ़ाएगा? कोई उनको रेगुलेट करने वाला नहीं है, कोई उनको मॉनिटर करने वाला नहीं है, तो उनको नहीं समझ आएगा, कुछ एक सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो उस डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए एक रेगुलेटर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उन्हीं रेगुलेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल जो मार्केट है, उसके रेगुलेटर्स कौन कौन होते हैं। देखिए, तीन तरह के हमारे रेगुलेटर हैं, एक तो है सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, दूसरा है हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और तीसरा हमारा इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटरी, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी किसके पास होती है? ये होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये किसके पास होती है? ये होती है हमारी सेबी के पास, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये होती है आरबीआई के पास। और इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड, इंश्योरेंस कौन करता है रेगुलेट? आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो पेंशन है वो है पीएफडी, पेंशन फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये सारी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। बस अभी आपको इसमें इतना ही समझना है, इसके जो नीचे पॉइंट्स उन्होंने दिए ना, यही सारे आपको आगे यहाँ लाइन से बताएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कमर्शियल बैंक है ना, यहाँ पे देखिए कमर्शियल बैंक, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, जो जो उन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए इन में, इन सभी और रेगुलेटरी के नीचे, वो सारे पॉइंट्स का उन्होंने पूरा डिटेल पीछे बताया। तो मैं आपको एक एक लाइन में बताने वाली हूँ ये क्या क्या होता है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि भले ही हमारे जेआईबी में डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं पूछे जाएंगे, पर मॉड्यूल बी डी ई को समझने के लिए, बी सी डी ई को समझने के लिए, और आपका जो लीगल है, लीगल की पूरी बुक को समझने के लिए, और उसके बाद अगर आप सीआईबी करेंगे तो सीआईबी में पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पेपर को समझने के लिए आपके मॉड्यूल ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखा जाए तो पहला पेपर का जो पहला मॉड्यूल है, इन्होंने उसी को उसमें डाला है, क्योंकि बिल्कुल वो बेसिक है और उस पर बहुत सारी चीज़ें हमारी आने वाली आगे, ठीक है। एक एक टर्म में जो है ना, एक एक चैप्टर होगा आपका, आप सीआईबी में ऐसा बहुत डिटेल दिया हुआ है, तो ये आपके लिए उस टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आ जाता है हमारा कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक ये सब किस में हम देख रहे हैं? ये है आरबीआई में। पहले हम आरबीआई के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आरबीआई किस किस को रेगुलेट करता है, किस किस कौन कौन सी चीज़ें जो आरबीआई के अंडर आती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आरबीआई कंट्रोल करता है। पहले हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? सारे के सारे गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ठीक है, वो सब हमारे कमर्शियल बैंक में आ जाते हैं। जिस बैंक पे हम लोग काम करते हैं, जैसे मान लीजिए एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो सब हमारे पब्लिक हो गए। फॉरेन बैंक भी हमें पता है बहुत सी ऐसे है। फॉरेन बैंक और प्राइवेट बैंक में डिफरेंस क्या होता है? फॉरेन बैंक वो होते हैं जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में होता है, और प्राइवेट बैंक वो होता है जिसमें 51% तक का जो शेयर होता है वो किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में होता है। और गवर्नमेंट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक वो होता है जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है। गवर्नमेंट 51% शेयर की हकदार होती है। तो ठीक है, ये आपका कमर्शियल बैंक का पता लग गया। NBFC क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। होने में तो ये लोग बैंक की तरह ही होते हैं, मतलब ये जो कंपनीज होती है ये बैंक की तरह ही होती है, इसको भी आरबीआई रेगुलेट करता है, और इसमें पर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। डिफरेंस क्या है? जैसे मान लीजिए जैसे बैंक है, बैंकों को बहुत ज़्यादा छूट मिली है, वो हर तरह का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में ही। जैसे मान लीजिए आजकल बैंक क्रॉस सेलिंग ये सारा काम भी करते हैं ना, बहुत सारा म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, इस तरह का बिजनेस बैंक बहुत कर रहे हैं। पर ये जो हमारी NBFC है, इनको मतलब जैसे मान लीजिए इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है। जैसे अगर हम लोग, हमारे पास सेविंग बैंक अकाउंट है नॉर्मल, अगर कमर्शियल बैंक में किसी भी और प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक में, तो हम लोग कितना भी सेविंग बैंक में अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पर NBFC में अगर आपको कुछ अपना डिपॉजिट कराना है, तो उसमें शायद 1 लाख की रिस्ट्रिक्शन है। तो
इन बैंकों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती है, ये शॉर्ट टर्म लोन नहीं लैंडिंग नहीं कर सकते, ये लॉन्ग टर्म ही लैंडिंग कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे इन पे रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो अगर कोई बोलेगा कि डिफरेंस क्या है कमर्शियल बैंक और एनबीएफसी में, तो डिफरेंस इतना है कि ये जो है इन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहती है और ये अपना प्रॉपरली अपना जो भी बैंक का सारा बिजनेस है, जो भी हमारी बैंकिंग एक्टिविटी हो सारा कर सकते हैं। और इनके लिए कुछ एक्टिविटी डिफाइन होती है, एनबीएफसी ना इनके लिए कुछ एक्टिविटी डिफाइन होती है। और एक और बात, अगर कमर्शियल बैंक ही अच्छे थे और इतने सारे बैंक हैं प्राइवेट गवर्नमेंट और फॉरेन बैंक, तो इनकी ज़रूरत क्या पड़ी? तो होता कि एनबीएफसी का कुछ टारगेट रहता है इनको, शायद कुछ परसेंट इनको जो हमारे जो जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स जो गाँव के रूरल एरियाज है जहाँ पर बैंक अपनी ब्रांचेस नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वो वहाँ पर ब्रांच नहीं खोलना चाहते, ये जो हमारे कमर्शियल बैंक है। वो बात अलग है, इनको कुछ टारगेट पूरा करना पड़ता है कि हाँ इतने परसेंट आपकी ब्रांच गांव में होनी ही चाहिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए, इन तीनों बैंकों के लिए वो बात है। तो एनबीएफसी को भी कुछ ऐसा रहता है कि आपको भी इतनी परसेंट ब्रांचेज अपने रूरल एरियाज में खोलनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एंटिटीज आएंगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे मार्केट में प्लेयर्स, तो उतना ज़्यादा गाँव के जो लोग हैं जिनको कोई भी बैंकिंग की सुविधा नहीं मिल पाती तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो उसी पर्पज़ के लिए एनबीएफसी को क्या दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स कौन से होते हैं, इन सबको बस हमें एक लाइन में समझना है, ये होते क्या हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, इतना ही काफ़ी, इसका पूरा डिटेल इसमें हर चीज़ में चार चार पांच पांच लाइनें भी आपको नहीं करना, बस एक लाइन में पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, दैट्स ऑल, इतना ही आपके लिए बहुत है। प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, डील इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ बेचने और खरीदने का ही काम करते हैं। ठीक है, एक तरह का जो ब्रोकर है वो काम करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो हैं जो कि डीलिंग विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड डिपॉजिट्स। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे वो आ जाएंगे जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, कॉपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं, कॉपरेटिव बैंक वो होते हैं जो कि बहुत ही रूरल एरियाज में काम करते हैं। ठीक है, रूरल क्रेडिट इनका जो मेन पर्पज़ है वो रूरल क्रेडिट होता है। अर्बन कॉपरेटिव बैंक किससे कंट्रोल किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई से, लेकिन जो बाकी के कॉपरेटिव बैंक है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड से एंड स्टेट गवर्नमेंट से, बस इतना आप याद रख लें। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये सब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम उस किस किस को, मतलब जो आरबीआई है किस किस को रेगुलेट करता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जितना भी हमने ऊपर पढ़ा उन सबको लाइसेंस किससे मिलता है, आरबीआई से मिलता है, तभी ये लोग काम कर सकते हैं, ये सभी जो ऊपर हमने जो एंटिटीज देखी छोटी छोटी। अगला है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो आरबीआई है वो क्या करता है, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का काम करता है। कैसे, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आप ईसीएस या कुछ भी करते हैं, ईसीएस आप दूसरे बैंक को भेजते हैं, फिर NPCI जो कि RBI की सब्सिडरी है तो वहाँ पे जाके आपका सेटलमेंट होता है पैसों का। कई बार आप RTGS करते हैं, ठीक है, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब ये एक तरीके का हमारा बैक ऑफिस में हमें सपोर्ट देता है, कौन, RBI। ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग अपनी जो भी सेटलमेंट है, जो भी हमारा पैसों का लेन देन है, उसको फाइनली उसकी जो क्लियरिंग है उसमें हमारी हेल्प करता है, क्लियरिंग हाउस एस्टैब्लिश करके। मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट्स, तो गवर्नमेंट की भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो RBI मैनेज करता है, गवर्नमेंट का बैंक, गवर्नमेंट का भी ये बैंकर होता है जो RBI ना, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है जैसे टी बिल्स ये सब बेचने और खरीदने का काम कौन करता है, RBI। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो बैंकर टू गवर्नमेंट है। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट, तो बहुत सी गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती है, गवर्नमेंट का जो कलेक्शन होता है कुछ भी पैसों का या कुछ भी, तो उसमें भी सेंट्रल बैंक उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे लिखा ना, दिस इन्वॉल्व प्राइस टेक्नोलॉजी वॉल्यूम ऑफ टू बी रेज, मतलब ये बताएगा, मैनेजमेंट बताएगा कि गवर्नमेंट को कितना, जैसे गवर्नमेंट टी बिल्स इशू कर रहा है RBI पर, RBI ये भी बताता है कि आपको कितना करना चाहिए, प्राइस डिस्कवरी मतलब किस रेट पे आपको अपना जो टी बिल्स जो भी गवर्नमेंट इशू करती है कितने रेट पे बेचना है, वॉल्यूम कितना आपको, मतलब वॉल्यूम मतलब कितना पैसा आपको चाहिए, कितना पैसा आपको रेज करना है, टेन्योर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारा जो डेब्ट है गवर्नमेंट डेब्ट, उसमें वो RBI उसके मैनेजमेंट में हेल्प करता है, किसकी, गवर्नमेंट की। बैंकर टू गवर्नमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि RBI गवर्नमेंट के एजेंट की तरह बहुत सारे गवर्नमेंट के काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था टी बिल्स वाला। ठीक है, टी बिल्स इशू करता है और उसको बेचने और खरीदने का काम करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू बैंक, तो बैंकों के पास क्या है, मान लीजिए सभी बैंकों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, RBI के पास पैसा रहता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो RBI क्या करता है, अगर सभी बैंकों के पास पैसा नहीं है, सारे बैंक बहुत क्राइसिस में आ गए हैं, तो वो RBI से फाइनली हेल्प लेते हैं, इसीलिए लास्ट रिजॉर्ट बोला, लास्ट मतलब कहते हैं ना आखिरी आखिरी रास्ता, आखिरी चारा बस यही बचा है, तो कौन है वो, RBI है। तो बैंकों को अगर सारे बैंकों को इमरजेंसी आ गई तो कौन उसकी हेल्प करेगा, RBI उनकी हेल्प करेगा। वैसे हमने देखा CRR एक रेशो होता है, कैश रिजर्व रेशो, तो जो भी हम लोग डिपॉजिट कराते हैं बैंकों में उसका एक परसेंट हमें कैश की फॉर्म में RBI के पास, हमें मतलब बैंकों को
कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। ये कहाँ पे है? 42(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यहाँ पे आता है, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन, ठीक है। लीगल में इस को बहुत डिटेल में बोला गया। तो मान लीजिए अगर किसी भी, मान लीजिए मैं अभी जाके 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट करती हूँ, तो अभी CRR शायद 3.5 कुछ चल रहा है, ठीक है। तो 100 रुपये में से 3.5 यानी कि 3.5 रुपये बैंकों का, हर बैंकों का आरबीआई के पास एक अकाउंट रहता है, तो उस अकाउंट में बैंकों को पैसा ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो कैश की फॉर्म में होना चाहिए, कैश मतलब आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, किसी सिक्योरिटी की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी के फॉर्म में अगर एक ऑप्शन बोले तो वो होता है SLR, ये भी बिल्कुल मैंडेटरी है, हर बैंकों को आरबीआई के साथ रखना होता है, ठीक है। और ये जो हमारा SLR की हम बात करें, हर बैंकों को आरबीआई के साथ रखना होता है, ये आप सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, या गोल्ड, किसी भी सिक्योरिटी की फॉर्म में बैंक अपना किसी भी सिक्योरिटी की फॉर्म में आपको आरबीआई के पास रखवा सकता है। ये भी वही है, जो भी हम डिपॉजिट करते हैं उसका एक कुछ, उस डिपॉजिट का जो भी कस्टमर डिपॉजिट करता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था 100 रुपये मान लीजिए किसी कस्टमर डिपॉजिट किया, तो ये चेंज होता रहता है 19.5%, ठीक है, 19.5%, 18.5%, ये चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। इसका मैक्सिमम लेकिन 40% है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 40%, इसके जो एक्ट है उसी में बताया गया कि इससे ज़्यादा ये नहीं रख सकते। जैसे हमने अभी CRR देखा, वो हमेशा कैश की फॉर्म में होता है, पर SLR में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी भी सिक्योरिटी में हो सकता है। इसके बाद हमारा सेकेंड आता है, अभी देखिए हमने क्या डिस्कस किया, ये किया ना पहले वाला, अभी तक हमने सेंट्रल बैंक के जितने भी थे वो सारे अपना ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, कैपिटल मार्केट में जो हमारा इक्विटी मार्केट, ये सब अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इक्विटी एंड डेप मार्केट क्या है, इक्विटी एंड डेप मार्केट हमारा किस में आता है, कैपिटल में आता है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट मैंने आपको बोला था जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है सेटलमेंट होने में, मिनिमम 1 साल से, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद आप 2 साल 10 साल कुछ भी बोलो। तो इसमें बॉन्ड, डिबेंचर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डील की जाती है, यहाँ पे आप बॉन्ड खरीदो या बेच सकते हैं, डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। और चलिए स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज वो है जहाँ पे शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। ब्रोकर कौन होते हैं, ब्रोकर वो हैं जो मीडिएटर का काम करते हैं, मान लीजिए किसी को अपनी कोई सिक्योरिटी, मान लीजिए किसको शेयर बेचना है, किसको खरीदना है, तो उनके बीच में ब्रोकर आके बताते हैं कि हाँ इस रेट पर आप बेचिए, इस रेट पर खरीदिए, मतलब आपको खुद परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ब्रोकर आपके बिहाफ पे काम करता है, उसके बदले में वो कुछ कमीशन लेता है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी नई जगह जा रहे हैं तो आपको घर ढूंढने के लिए ब्रोकर की ज़रूरत होती है ना, वो बोलता है कि हाँ पहले महीने का आपका जो किराया होगा वो आप मुझे एज अ कमीशन देना, मैं आपको अच्छा घर बताता हूँ। तो सेम यहाँ पे काम करता है, आपको सिक्योरिटी में इतना नहीं आइडिया, इतना शेयर में नहीं आइडिया, तो ब्रोकर आपको बताते हैं कि आप ये वाला शेयर बेच दीजिए, अभी इसका रेट घटने वाला है, ऐसा छोटा मोटा आपका हेल्प जो होता है मार्केट से रिलेटेड, वो आपके कौन, ब्रोकर करते हैं। इक्विटी एंड डेप्ट रिजर्व, ये वो कंपनीज होती है जिनका एक तरह से, ये क्या है, ये वो है जिनको गेट देम लिस्टेड ऑन स्टॉक, तो इनका कुछ एक एप्लीकेशन रहता है और कुछ प्रोस्पेक्टस रहते हैं, वो सबमिट कराते हैं और उसकी हेल्प से फिर वो लोग अपना इक्विटी या डेप्ट लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बट ये क्या होता है वो मैंने आपको बताइए, एक एप्लीकेशन या कुछ प्रोस्पेक्टस की हेल्प से इनको इक्विटी या डेप्ट चाहिए होता है, ये लोग अपना रेगुलेटर के पास जाके एक अपना एप्लीकेशन ये जमा कराते हैं और बोलते हैं कि उनको स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर उनको लिस्ट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या मर्चेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स अंडरटेक ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज सच एज अंडरटेकिंग द इश्यू ऑफ स्टॉक्स, फंड रेजिंग। तो ये जो मर्चेंट बैंकर्स ये वो होते हैं जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि उनको अगर स्टॉक इशू करना है तो वो मर्चेंट बैंकर करेंगे, फंड रेजिंग और मैनेजमेंट करना है तो मर्चेंट बैंकर्स करते हैं, ठीक है। ये वो बैंक नहीं होते जो हमारे नॉर्मल ही बैंक होते हैं, इनको जो रेगुलेटर करता है या इनको जो लाइसेंस देता है वो होता है कौन, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, जो कि हमारा है SEBI, ठीक है। तो शेयर का काम है, फंड रेजिंग या फिर मैनेजमेंट इन्हीं का ही काम होता है। नेक्स्ट हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जो हमारी कंट्री के नहीं होते, ये फॉरेन के ही होते हैं, पर इनको क्या करना होता है, हमारी जो जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वहाँ पे इनको इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। तो FII होते हैं, दे आर ऑथोराइज बाय द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर टू इन्वेस्ट इन द इंडियन इक्विटी एंड डेप मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये हमारी कंट्री के नहीं, ये बाहर के लोग होते हैं, और इनको SEBI या फिर जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है वो क्या करता है, ऑथराइज करता है कि आप इंडिया की इक्विटी या डेप मार्केट में आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने के लिए मिलेंगे, तो उन लोगों का भी फायदा है और इंडियन की जो कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में इनको पैसा चाहिए उनका भी फायदा है। तो हमने भी स्टार्टिंग में डेफिनेशन में देखा था ना कि जो ये जिनको जो निडी लोग हैं और जिनके पास सरप्लस है उनके बीच में ये बैलेंस करने का काम करता है हमारी मार्केट, तो ये सब उसी के अलग अलग छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं। अगला हमारा डिपॉजिटर्स, ये कौन होता है, डिपॉजिटर्स होल्ड सिक्योरिटी इन डीमैट फॉर्म, डीमैट मींस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में।
पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई भी शेयर है, कुछ भी सिक्योरिटी अगर आप लेते हैं, तो वो एक कागज़ का टुकड़ा होता था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी सारी जो सिक्योरिटीज़ हमारी डीमैट फॉर्म में होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट भी इसको बढ़ावा देती है ताकि ग्रीन इकोनॉमी और कागज़ वेस्ट ये सब ना हो। तो डिपॉजिटर्स वही होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ होती है उसको डीमैट फॉर्म में रखते हैं एज अपोज टू फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म यानी कागज़ का कोई टुकड़ा, डीमैट फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मेंटेनिंग अकाउंट्स और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हु इन टर्न मेंटेन सब अकाउंट्स ऑफ देयर अकाउंट्स। तो ए डिपॉजिटरी और ट्रांसफर सिक्योरिटीज फ्रॉम द बायर टू सेलर एंड दे कलेक्ट। तो होता क्या, मान लीजिए अभी आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो मान लीजिए आपको बेचना है वो, तो कौन आपकी हेल्प करेगा, डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने आपकी सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया है रखा है, वो आपकी सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफर कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही जिसको आप बेच रहे हैं, ठीक है। बायर से सेलर पर ही आपकी सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इसी में डीमैट फॉर्म में वो रखा होता है। नेक्स्ट हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड एक ऐसा है जिसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सभी मिलके क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 लोग हैं, उन्होंने पैसा जमा किया और उन्होंने पैसा जमा करके किसी एक फंड मैनेजर को दिया। फंड मैनेजर कौन है, वो हमारी आपकी तरह नहीं होगा, उसको नॉलेज होगा कि हाँ क्या मार्केट में चल रहा है, कैसी और जो शेयर का प्राइस कैसे घट रहा है कैसे बढ़ रहा है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें इन्वेस्ट करके हमें प्रॉफिट होगा। तो हम अपना जो हम 5 और लोगों ने, मान लीजिए हम 5 लोगों ने 2-2 हज़ार मिलकर 10 हज़ार जमा किया और हमने उस फंड मैनेजर को दे दिया, तो वो फंड मैनेजर क्या करेगा, वो देखेगा कि हाँ क्या चल रहा है, किस कंपनी का क्या रेट है। तो ऐसा नहीं कि 10 हज़ार वो एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, नहीं, म्यूचुअल फंड में यही रहता है कि जो 10 हज़ार आपका आप इकट्ठा करके आपने अपना फंड मैनेजर को दिया, तो वो अलग अलग जगह पे 5 अलग अलग कंपनी में वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। मान लीजिए 2 हज़ार उसने किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, दो किसी में, एक में, तो होगा क्या, वैसे तो ये भी बहुत मतलब पूरा मार्केट का इसको पूरा नॉलेज है, ठीक है, पर हम कुछ कह नहीं सकते ना, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए इसने 5 अच्छी जगह पे अपने हिसाब से, इसने पूरा रीडिंग के हिसाब से कि हाँ अच्छी प्रेडिक्शन इसने की और 5 अच्छी जगह पे आपकी जो सिक्योरिटी थी वो उसने वहाँ पे इन्वेस्ट के लिए आपका, इन्होंने आपका पैसा वहाँ लगा दिया, किसने, फंड मैनेजर ने। पर फाइनली क्या होगा, मान लीजिए 5ों में से 1 या 2 कंपनी लॉस में चली गई, या जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था वैसा आपको बेनिफिट नहीं मिल पाया, पर बाकी की जो 3 जगह वहाँ तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिले ना, वो जो 3 जगह पे अच्छे रिटर्न्स मिले, वो प्रॉफिट कितना 5ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फंड मैनेजर उसके बदले अपना एक कमीशन या कुछ एक फीस चार्ज करता है। तो इसमें सभी का फायदा, सबके लिए एक तरीके की विन विन सिचुएशन है। अगर मान लीजिए 5 में से किसी 1 का अगर लॉस होता तो पूरा उसको अकेले ही झेलना पड़ता, पर अभी क्या है, वही जो लॉस है वो 5ों लोगों में इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इससे किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो लिखा ना, इट इज़ लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसा उसने डेप में, कुछ सिक्योरिटी में, कुछ इक्विटी में, अलग अलग जगह पे उसने इन्वेस्ट करते हैं वो। तीसरा आता है हमारा और रजिस्टर, ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। रजिस्टर मेंटेन रजिस्टर ऑफ शेयर एंड डिबेंचर होल्डर एंड प्रोसेस शेयर एंड डिबेंचर एलोकेशन। ये क्या करते हैं, इट मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ, रजिस्टर वो होता है जो शेयर और डिबेंचर है, उस डिबेंचर जो होल्डर होते हैं, शेयर एंड डिबेंचर होल्डर, उनका ये अपने पास हिसाब किताब रखते हैं। प्रोसेस शेयर एंड डिबेंचर एलोकेशन व्हेन इशूड आर सब कर। तो रजिस्टर वो होता है जिनके पास पूरा कागज पे पूरा रजिस्टर में सब एंट्री करते हैं, किसको एलोकेट करना है, किसको, व्हेन इशूज आर सब्सक्राइब, जब लोग शेयर करते हैं तो उनके पास जो लोग हैं मतलब शेयर खरीदते हैं बेचते हैं उनको सब्सक्राइब करते हैं, तो इनके पास उन सबका डिटेल रहता है, ठीक है। इनका भी, ये भी एक बिजनेस होता है और इनको इसके लिए अप्रूवल लेनी होती है, ठीक है। ये पूरा हिसाब किताब रखेंगे, किसने शेयर किसको एलोकेट करना है, किसको शेयर बांटना है, किसको देना है, ठीक है, किस किसने सब्सक्राइब किया है, तो ये उसका हिसाब किताब रखते हैं। लास्ट में आता है हमारा थर्ड वाला, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे पहले कि हम लोग अपना जो दो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कौन कौन से थे, पहला था हमारा RBI जो कि मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, और SEBI के बारे में सारा की और जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। अब हमारा लास्ट क्या है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी और पेंशन फंड रेगुलेटरी, इसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। देखिए, तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इट इज़ एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंश्योरेंस सेक्टर सुपरविजन एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है, IRDA क्या करता है, ये सुपरविजन का काम करता है, यानी गवर्नमेंट इंडिया की ही ये एजेंसी है। मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर को सुपरविजन और उसको डेवलपमेंट और उसको रेगुलेशन सारा ही काम करता है। तो मान लीजिए किसी भी कंपनी को लाइसेंस चाहिए, किस लिए लाइसेंस चाहिए, कि उनको अपना इंश्योरेंस बिजनेस करना है, किस टाइप का, जनरल इंश्योरेंस करना है या लाइफ इंश्योरेंस करना है, किसी भी टाइप का अगर उसको इंश्योरेंस बिजनेस करना है तो उसको क्या करना है, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, IRDA से, इससे लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस देगा उसके बाद ही आप वो जो कंपनी है इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस की कंपनी, वो ऑथराइज होती है, ठीक है, उसको अथॉरिटी मिलती है।
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारा लाइफ इंश्योरेंस वाला काम करती है, जनरल इंश्योरेंस के ऊपर भी हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। उनको किसने लाइसेंस दिया है? IRDA ने, तभी वो ऐसा काम कर रही है, तभी वो ऐसे वाला बिजनेस कर रही है। तो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस देख लेते हैं। मान लीजिए आपने घर लिया है और आपको कोई डर है कि कभी फ्लड आ सकता है या कुछ भी, और नेचुरल कैलेमिटी ऐसी आ गई जो आपके अपने हाथ में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जनरल इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और उसकी हेल्प से आपको इन केस अगर ऐसी कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको जनरल इंश्योरेंस वाले पैसा पे करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, और आपको पता होगा बैंकों में जनरल इंश्योरेंस मैंडेटरी है ज़्यादातर बैंकों में, क्योंकि कुछ भी अगर क्लेमिटी आ जाती है तो बैंकों का पैसा डूब सकता है। तो जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता, बहुत कम प्रीमियम रहता है और सभी के लिए मैंडेटरी रहता है ऑलमोस्ट। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आपका क्या है, ये आपका अपना पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस है। इन केस मान लीजिए आप अकेले ही कमाने वाले हैं घर में, इन केस ऐसा कभी ना हो, पर मान लीजिए कभी कुछ हो जाता है किसी के साथ, तो उसके लिए भी आपको एक फैसिलिटी दी गई जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी। उसमें क्या करना होता है, अभी आप जीवित हैं तो आप अपना कुछ एक प्रीमियम पे कीजिए हर महीने, और इन केस अगर आपको कभी फ्यूचर में कुछ हो जाता है, आपकी लाइफ को कुछ हो जाता है, तो वो जो लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं आपका पैसा आपको देते हैं, ठीक है। आप लोग घर के लिए भी कई बार लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, जिसमें अगर इनकेस अगर कुछ गलत हो जाता है तो इंश्योरेंस वाले उस घर का जो जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करके आपको फ्री कर देते हैं उसकी EMI चुकाने से। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। और MCX कौन है? MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। द मल्टी कमोडिटी इट इज़ द फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज है, ठीक है। एक्सचेंज हमने अभी पढ़ा था ना, स्टॉक एक्सचेंज, तो ये पहला था। और PFRDA यानी जो पेंशन फंड, जो भी हमारे को जो भी हम लोग पेंशन लेते हैं, चाहे न्यू पेंशन स्कीम या ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो उसको अभी एक रेगुलेटर है जो कि PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे देखिए पेंशन रेगुलेशन। चलिए ठीक है, इसके साथ आपका लेटर सम अप आ गया, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। जो मैंने आपको बताया वही सब यहाँ पे लेटर सम अप में दिया, ठीक है। चैप्टर में काफ़ी आपका डिटेल हो गया वैसे, या एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, और एक बार चाहे तो आप चेक योर प्रोग्रेस, आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 1 हमने आज खत्म किया है, और चैप्टर नंबर 2 मैं आप लोगों को सेकेंड चैप्टर ना ये आप लोगों को मैं कल कराती हूँ। तब तक आप पहले चैप्टर का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।